गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर नहीं बेसिक इलेक्ट्रिकल हमने ख़त्म कर दिया था, और बेसिक इलेक्ट्रिकल ख़त्म कर दिया है पूरा का पूरा। एक काम बचा हुआ है जेबी गुप्ता सॉल्व कराना। लगभग लगभग हमने 50% क्वेश्चन जेबी गुप्ता का सॉल्व करा दिया, आपके कॉपी पे ही करा दिया है। कुछ टिपिकल क्वेश्चन बचे होंगे जब हमारे पास हम कराएंगे, एक से कराएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन करा देंगे। उसके लिए आप परेशान नहीं होना है, जितनी बातें हमने बताया है उसका ध्यान रखिएगा, और जो भी क्वेश्चन कराया उससे रिलेटेड आप कर डालिएगा, ठीक ना। और भी करना है वो हम कराएंगे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं चीज़ें कंपटीशन टफ भी हो अगर तो उसको भी आप मैनेज कर पाएँ। मतलब हमारा कहने का मतलब है, हमारा पहले से टारगेट यही रहा है, मान लीजिए आज कंपटीशन जो भी है कल कंपटीशन और बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर से तैयारी करने आएंगे। तो कहने का मतलब है आपका मतलब उस लेवल को हम मेंटेन करके चलते हैं पहले से ना, तो कहने का मतलब इसका ध्यान रखिएगा, वो कराएंगे। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे, याद रखिएगा, एनालॉग शुरुआत करेंगे, एनालॉग डिवाइसेस एंड सर्किट। एक चीज इसका ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत करने के पहले जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नाम लेते हैं दो पार्ट में, पढ़ाते हैं एक ही पार्ट में है, याद रखिएगा, एक ही साथ पढ़ाते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और एक क्या है बेटा, क्या है, एनालॉग के बारे में ना। तो दो सब्जेक्ट जनरली डिवाइड करते हैं, दो सब्जेक्ट मानिए या एक सब्जेक्ट मानिए या पाँच सात सब्जेक्ट मानिएगा चाहेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्यों ऐसा शुरुआत किया, क्या डिफिकल्टी आई है, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर देते हैं। जब हमने लॉकडाउन के बाद बैच शुरुआत किया था तो उसमें याद रखिएगा हमने डिजिटल पढ़ाया था या क्या पढ़ाया था, उसके बाद हमने EDC शुरू किया हुआ था, EDC शुरू किया हुआ था, तो उनको पढ़ाया इन्होंने उनको, याद रखिएगा फिर से लॉकडाउन लग गया दोबारा, तो उनका वहीं पर कोर्स ब्रेक हुआ था, फिर दोबारा कोचिंग खुली है, तो याद रखिएगा दोबारा खुली है कोचिंग, तो उनको याद रखिए कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, और दूसरी समस्या ये आ रही है जो इसमें नए बैच के भी बच्चे हैं, तो हमारे पास कहने का मतलब है इतने बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट थे, याद रखिएगा ऐसा नहीं है हमेशा हम 100-200 में पढ़ाए हुए हैं, हाँ इतने कम स्टूडेंट थे, अगर दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो हम किसको देख के पढ़ाएंगे, सबसे समस्या ये हमारे लिए है। और हमारा मन नहीं लगेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी चीज़ें कट हो जाएगी, क्या क्या होगा वो आपको नहीं पता है। तो कहने का मतलब है एक चीज़ का थोड़ा सा पढ़ाना तो यही चाहिए था, आगे EDC पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद ये पढ़ाना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ फायदा ये हो गया है आपकी जो बेसिक चीज़ें हम बता चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो बेसिक चीज़ें हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पे आएंगे उसके लिए हम बेसिक में इलेक्ट्रिकल में बता चुके हैं आपको। तो कहने का मतलब जो डिफिकल्टी आएगी वो आपको लगभग लगभग पूरा तो पूरा नहीं सॉल्व होगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें याद रखिएगा आपकी सॉल्व हो चुकी है। बेसिक जो मैथमेटिकल एनालिसिस होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाता है, और उसके बाद हम बताएंगे तो हमारी वो लाइबिलिटी है, चीज़ें हैं कैसे समझाना है, क्या करना है, वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो आपको ये दिमाग में, जो बच्चे नए हैं या कोई भी नया जो कोर्स परचेज किया उनके दिमाग में ना, सर ये नहीं पढ़ा है ये पढ़ा दिया, अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो हमारे पास यहाँ से शुरुआत होगा, और जब इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो इसको कहाँ कर देंगे हम, आगे कर देंगे, इसको कहाँ कर देंगे, पीछे कर देंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ घुमा देंगे। तो कहने का मतलब आप भी थोड़ा सा घूमते रहिए। तो हमारे कहने का मतलब है EDC शुरुआत अभी नहीं कर रहे हैं। EDC कब आपके दिमाग में होगा, EDC कब शुरुआत करेंगे, जब नया बैच शुरुआत करेंगे हम तो उन्हीं के साथ, याद रखिएगा सबसे पहला सब्जेक्ट हम EDC पढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब है आपका EDC भी आपके पास क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं। और एक बात है, अब तक जो बातें हम बता चुके हैं, क्या क्या बातें बता चुके हैं वो तो पूरी क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिक देखा जाए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात किया है। आप एक बार को हमारा सजेशन है, जो बच्चे नए हैं एक बार आपके पास बुक होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, एन टाइप का क्या होता है, पी टाइप का क्या होता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होती, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। अगर हम पढ़ना शुरुआत कर रहे हैं, अगर डिफिकल्टी आएगी तो आपको हम अलग से क्लास, दो तीन क्लास ले लेंगे बुला के हम ना, आपकी क्लास दो तीन क्लास ले लेंगे। लेकिन याद रखिएगा डिफिकल्टी आएगी तो याद रखिएगा आप बता दीजिएगा, लेकिन हमको पता है, हमारे पर भरोसा, हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं, डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। बस ये दिक्कत आएगी, मान लीजिए क्वेश्चन आप करेंगे तो भाई एनालॉग अलग नहीं है, EDC अलग नहीं, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे आपके ओवरलैप होंगे, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट की कमी होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया ही नहीं गया है उस क्वेश्चन को टच करेंगे, और याद रखिएगा उसको टच, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ें डिवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं है जो हमने बुक नहीं लिखा हुआ है,
बुक में क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, आगे हैं और क्या हैं, पीछे भी हैं। कहने का मतलब है आपको देखना होगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन हम करा रहे हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन करना है आपको। एक बार पढ़ाने के बाद ईडीसी एनालॉग का हम तो इतना मान सकते हैं, याद रखिएगा 90% क्वेश्चन याद रखिएगा, कहीं का भी हो आपके नोट्स में लिखा होगा वो पॉइंट याद रखिए, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आया है वो कहीं ना कहीं आपके कापी में होगा, हमने बताया है कहीं ना कहीं लिखाया होगा। और लगभग लगभग जो भी टिपिकल चीजें हैं हम यहीं पे डिस्कस कर देते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है अलग से, देखा जाए हमको पढ़ाते हैं वो रिवाइज करना है आपको चीजें, बस ये करिएगा जब हम सब खत्म करेंगे तो सब जगह के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हाँ, कुछ टिपिकल डाटा क्वेश्चन आते हैं, अब क्या है इस समय नए मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है यार के देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन वो बहुत डिसाइड नहीं करता है, कुछ डाटा नेट के डाटा आप क्या हैं, अब जाहिर सी बात है वो भी जो पेपर सेटर होता है विकिपीडिया से, विकिपीडिया का माना जाता है कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, कहीं भी लगाया जाए ऑथेंटिक नहीं, क्या होता है विकिपीडिया में जो लिखा हुआ वहीं से क्या बना दे रहे हैं, ऑप्शन बना दे रहे हैं, बनाने वाले ने तो बहुत बना दिया अपना नया क्वेश्चन भी हो गया। अरे भाई सामने वाले पे देखो ना, उस क्वेश्चन में क्लियरिटी है तो नहीं है चार ऑप्शन में ना, चार ऑप्शन में क्लियरिटी है तो नहीं है आपके पास। कल हमने देखा एक क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, सभी के सभी पेरिफेरल डिवाइस है, उस ऑप्शन जो दिया गया उसमें आपने सोच के क्या बनाया और हम कैसे करेंगे, थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आप जो नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ क्लियरिटी कम रह रही है, कम रह रही है सभी के सभी क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि नेट से जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे इस समय याद रखिएगा ये भी देखना है, हम जो पढ़ा रहे हैं हर पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं लेकिन आपको नेट्स के जो क्वेश्चन है उसको भी करना है। और डाटा टिपिकल डाटा हम हो सकता है एज ए टीचर देखा जाए बहुत टिपिकल डाटा नहीं बता सकते आपको, टिपिकल डाटा बता देंगे तो जो काम की चीज़ें टिपिकल डाटा होगी वो भूल के वो भी भूल जाएंगे, जो आ रहा है वो भी भूल जाएंगे, तो एक लिमिटेड हम डाटा बता सकते हैं आपको, ठीक ना। लेकिन आप एग्जाम में कई कई क्वेश्चन देखा था हमने रखे कुछ टिपिकल डाटा वहाँ भी पूछे जा रहे हैं, हाँ टिपिकल डाटा बढ़ा सकते हैं, ये बताइए 50 डाटा अगर लिखा दिया जाए उसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही डाटा वाला आएगा, लेकिन कर पाएंगे क्या एग्जाम में। हमने कल पिन के ही बारे में बताया था आपको, हमने बोला हम बता दे रहे हैं लेकिन जिस दिन आएगा तो वो पिन भी याद, क्योंकि ये पिन हो गया 8255 की पिन हो गया, सब क्या कॉन्सेप्ट याद आता है, पिन वाला नहीं इतना याद आता है, क्यों एक अगर एक ही माइक्रो प्रोसेसर का याद करना होता तो याद कर लेते, पता चला 8051 का पूछ रहा है तो 8085 का मार रहे हैं, तो वो थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड मान लीजिए आप तो आपने क्या किया एग्जाम देने गए हैं एक दिन पहले वही रिवाइज करके गए हैं, क्योंकि जाट से बात है रिवाइज करके जाएंगे तो आपके कम से कम हमारे हिसाब से 16-17 सब्जेक्ट हैं, कम से कम मान के चलिए 20 सब्जेक्ट हैं। अब पूछने को तो एग्जाम में कई लोग पूछ के चलते हैं सर एग्जाम में देने जाने उसमें आएगा क्या, तो हमारा यही काम हमारा हमेशा यही जवाब रहा है हमको नहीं पता क्या आएगा, अगर इतना जानते तो केवल एनालॉग ईडीसी पढ़ा देते बेटा इसी से आएगा और आपका सिलेक्शन आएगा, वो तो ऐसा क्यों पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट का, तो ये हमारे को हमको नहीं पता है। एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है, जनरल बातें हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास पेपर होता है पिछला वाला पेपर, तो जैसे आप पेपर लेके बैठे रहते हो ना, पेपर आप लेके बैठे रहते हो, पहले भी बताया शायद, वैसे ही क्या होता है जो पेपर सेटर हो वो भी पेपर लेके बैठा रहता है पिछला वाला पेपर, वही एग्जाम का पेपर लेके बैठा होता है रखेगा, तो उस पैटर्न का जो पिछला पैटर्न का है उस पैटर्न का पेपर कम चांस होते हैं आने के, हमेशा जो आप काम करते हो वो भी का जो पेपर है सभी लोग अपनी मेहनत को कम करना चाहते हैं, तो वो भी क्या है याद रखिएगा कहीं ना कहीं से कॉपी करता है मैटर को, वो भी लेके बैठा रहता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा जो पेपर आ चुका है उसी पे, हाँ कहने का मतलब है पेपर आ चुका है तो ऐसा नहीं है तो उसको देखेंगे ही नहीं, उसको देखिएगा लेकिन उसी के पीछे ना पढ़िएगा ये आ चुका यही तैयारी नहीं, वो तो देख लीजिएगा लेकिन उसके अलावा वाला याद रखिएगा आने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो भी बैठा हुआ पैटर्न वो भी क्या करना चाहता है चेंज करना चाहता, तो इसका ध्यान रखिएगा। हमेशा किसी की भी आदत है देख लीजिए पेपर आता है तो पुराना पेपर उसी का खोजते हैं बैठ जाते हैं लेके सॉल्व कर लेते हैं कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, अरे पेपर तो बहुत हल्का, अरे यहाँ पे लग रहा है पेपर हल्का है ना, एग्जाम में बैठोगे 2 × 2 भी कभी कभी क्या होता है 8 हो जाता है, आपके साथ हुआ ना हुआ हो हमारे साथ होता रहता है, कहने का मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 × 2 नहीं करना मतलब ऐसे कुछ टिपिकल चीजें बात कर एग्जाम्पल दे रहे हैं सेंस वही है बोलने का, तो कहने का मतलब है गलत हो जाता है, तो हमारे कहने का मतलब है आपको पेपर तो रिवाइज करना ही है, तो जो पेपर रिविजन वाली बात है आपके पास है जो आज तक के जो पेपर आए हैं उन पॉइंट को भी हम कहीं ना कहीं बता देते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं पॉइंट हम बता देते हैं, पेपर कहीं का भी सॉल्व करेंगे
लगभग लगभग हर चीजें मिल जाएंगी। कुछ क्वेश्चन टिपिकल डाटा हमसे भी मिस हो जाता है, इतने कहाँ डाटा या वो चीजें छूट जाए, लेकिन हमारा जो भी चीजें है अपडेट हो जाती है तुरंत। तो कहने का मतलब है अब जो पढ़ा चुके उसमें तो अपडेट नहीं होगी चीजें, तो कहने का मतलब है आपके पास इसका ध्यान रखना, वो अगले साल होगी ना, जब अगले साल होगी इसका ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सर्किट और EDC दोनों अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से मिलके हैं, दोनों थ्योरेटिकल पार्ट है, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद या रखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद जो चीज़ें दिक्कतें आएगी यहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा हम पहले भी बता चुके हैं, जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा एक दो दिन मेहनत कर लेंगे, पता चला हम एन टाइप नाम ले, एन टाइप उनको दिमागी नहीं काम करे, एन टाइप क्या होता है ना, पी टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ें दिक्कतें ना आए, चीज़ें हैं थोड़ा बहुत आए, अब ना आए अगर कोई बातें अगर ना समझ में आई तो याद रखिएगा बेचक पूछ लीजिएगा, लेकिन वो उतना डायरेक्ट हम रखते हैं आपको, हम समझा ले जाएंगे, उसकी बहुत जरूरत नहीं हमको है ना। यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस से ये दूसरी की पूरी एनालिसिस से पूरा का पूरा, ठीक ना। जाते जाते हम जब हम शुरुआत जब हम क्लास बंद किया था उस समय हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, दो बेसिक डिवाइसेस के बारे में बात कर चुके थे, एक डायोड के बारे में, एक क्या है बेटा किसके बारे में, BJT के बारे में बात कर चुके थे। डायोड के बारे में बेसिक सब बातें बता चुके हैं, या देखिएगा डायोड भी बता चुके हैं, और क्या है एक क्या है स्पेशल डायोड भी बता चुके हैं। ध्यान नहीं रखना है जैसे ये चीजें हमारे पास ये भी सब चीज बात करेंगे, ये सब बता चुके हैं। और जाते जाते हम BJT के बारे में बात कर रहे थे, अब BJT में सब कुछ बात कर चुके हैं, या देखिएगा कैसे ऑपरेट होता है क्या होता है, ये सब बातें हम रिवाइज नहीं करने वाले हैं, कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल या देखिएगा उसमें जाते जाते हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे। कॉन्फ़िगरेशन के पहले याद रखिएगा दो चीजें याद रखिएगा, NPN और PNP दो ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और क्या बेटा आपका PNP ट्रांजिस्टर होता है। सबसे पहले एक चीज हमने बताया था ट्रांजिस्टर क्या मतलब होता है, रेज एंड करना है, ट्रांजिस्टर का क्या मतलब बताया था, ट्रांसफर प्लस क्या है रजिस्टर, याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, मतलब रजिस्टर को क्या कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है। अब बात आ रही है क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है लो से हाई जा रहा है या हाई से लो जा रहा है, तो याद ही रखना है आपके पास अगर ट्रांजिस्टर बनाया जाता है तो क्या होता है NPN, NPN थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बता रहे हैं, NPN NPN आपके पास कितने टर्मिनल होते हैं, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, पहला ये क्या है आपका ईमीटर, बेस और क्या है कलेक्टर। एक हमने बात किया था याद रखिएगा ई मीटर है आपके पास है, बेस कलेक्टर, क्यों यहाँ पे थ्री टर्मिनल बनाया था, क्योंकि डायोड में आपको कंट्रोलिंग हमने इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल में बता दिया है कितने तरीके की कंट्रोलिंग होती है, चार होती है करंट कंट्रोल, करंट सोर्स, SHR बताया नाम ना। तो कहने का मतलब है डायोड में क्या था बेटा केवल दो टर्मिनल डिवाइस थी, इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे, कोई कंट्रोल करने वाला टर्मिनल नहीं था आपके पास, लेकिन यहाँ पे क्या है थ्री टर्मिनल डिवाइस में क्या है आपके पास एक के द्वारा इनपुट देंगे, एक के द्वारा आउटपुट लेंगे और दूसरे टर्मिनल से क्या करेंगे, तीसरे वाले से क्या करेंगे कंट्रोल करें। कंट्रोलिंग क्यों जरूरत है, क्योंकि कंट्रोल करना, क्योंकि आपके पास कितना एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं या कितना ऑपरेशन करना चाह रहे हैं ये आपके पास कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक डायोड का डिसएडवांटेज था, इसीलिए हम कहाँ पर आए थे ट्रांजिस्टर में आए थे, और जब ट्रांजिस्टर में आए थे तो देखा हमने कितने टर्मिनल की डिवाइस बनाया, हमने थ्री टर्मिनल की डिवाइस बनाया था, और हमने बात किया था यहाँ पे तीन या रखिएगा आपके पास टर्मिनल होते हैं ई मीटर, बेस और कलेक्टर। क्या मतलब था कोई बता सकता है, ई मीटर बेस कलेक्टर का एक बेसिक हमने पॉइंट बताया था, ई मीटर का मतलब है जो भी कैरियर एक होता है नाम दिया जाता है बेटा कैरियर, चार तरीके की बात की जाएगी या रखिएगा दो ये थोड़ा सा भी बात कर देते हैं बेटा, चार तरीके की, एक इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी, एक होल्स की बात की जाएगी, एक पॉजिटिव आयंस की बात की जाएगी, एक नेगेटिव आयंस की बात की जाएगी। पूरा तो फिलिंग यहाँ फिलिंग तो हम दिला देते हैं लेकिन यहाँ फिलहाल नहीं है, चार तरीके की बात आती है होल्स इलेक्ट्रॉन्स और क्या बेटा पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, कौन डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्लास में, कोई भी इन चारों में क्या अंतर है कैसे है चीजें बताना है आपको। मान लीजिए एज ए इंटरव्यूअर हम पूछ दिए आपसे इन चारों को आप हमको या रखिएगा जस्टिफाई करिए कैसे बताना है आपको, कोई बता सकता है
कोई भी, अरे भाई इलेक्ट्रॉन होल्ड से तो आप खेलते हैं, शुरुआत से इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और बताना है क्या है, क्या अंतर है, कैसे यारखी कार्ड डेवलप किए गए हैं। ऐसे पूछ दिया लग रहा है जान ही निकल जाएगी आपकी। सर जानते हैं बताएं क्या, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना है। अरे भाई सिंपल पूछे या टफ पूछे बताना तो है। इलेक्ट्रॉन और होल्स सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये कैरियर होते हैं। जब हम कोई भी बेटा फोर्स अप्लाई, फोर्स का मतलब इन द सेंस यहाँ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूव करेंगे। मूव करेंगे क्यों, मूव करें क्योंकि क्या लगता है, फोर्स लग रहा है। अब फोर्स क्या होता है बेटा, यफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू क्या है, ई होता है। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब फोर्स लगेगा तो ये मूव करेंगे। और एक चीज हमने बात किया था, तो ये क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, मूव करेंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर ना, इन्हीं के कारण से बता, जब ये मूव करेंगे इन्हीं के कारण से कैरियर बोला जाएगा। और जब ये मूव करेंगे इन्हीं के कारण से क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। याद रखिएगा किनके कारण से, इलेक्ट्रॉन्स और क्या है, होल है। याद रखिएगा ये भी बताया है, जब भी ये मूव करेंगे तो क्या होते हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये भी क्यों है, बेसिक हमने बताया है, फिलहाल यहाँ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन होल बेटा क्या होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन करंट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ये भी बताया, सब पॉइंट रिवाइज नहीं करने वाले हैं, एक बार से फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, विपरीत डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब मूव करेंगे तो करंट क्या होता है बेटा, होल की डायरेक्शन में होती है। जो जिस डायरेक्शन में होल मूवमेंट करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, याद रखिएगा क्या होगी, करंट भी क्या करेगी बेटा, मूव, करंट भी फ्लो होगी। करंट मूव नहीं होती, क्या होती है, फ्लो होती है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या होगा, करंट क्या होगा, मान लीजिए हमने बोला बेटा होल इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल में करंट इधर ही जाएगी और करंट इलेक्ट्रॉन वाली करंट क्या होगी, उसके विपरीत डायरेक्शन में जाती है, तो क्या होगा, करंट दोनों क्या होती है, ऐड होता है, करंट ऐड होता है। इसीलिए बेटा क्या है, एक तरीके से ये भी मान सकते हैं, इसीलिए क्या मूव कर रहे हो, विपरीत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और भी बेसिक पॉइंट हमने बात की आती है, याद रखिएगा कैरियर है, कैसे डेवलप होते हैं ये भी बताया है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये समझना है क्या है आपके पास, याद रखिएगा क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये तो बता सकते हैं ना क्या होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जो भी आउटर मोस्ट होगा तो एक शब्द आता है बेटा न्यूक्लियस ना, बेसिक चीजें हैं, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के यारखेगा का ही क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन या जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ड्यू टू क्या है बेटा, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। और कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, ये तो लगेगा ही, एक और फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, या इक्वल टू क्या बेटा, क्यू इंटू क्या है, ये दोनों बैलेंस होते तभी तो लगता है। हाँ कूलाम्ब फोर्स करने का मतलब है आपके पास, तो इसका ध्यान रखना है, जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है याद रखिएगा उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन अभी ये याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है बेटा, तो क्या फिलहाल ये मान के चला जा रहा है, ये क्या बेटा फ्री नहीं है, आउटर मोस्ट क्या है बेटा, आपके ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे इसको फ्री होगा, फ्री होने के लिए बेटा क्या करना होगा, कोई भी इसको एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा, किसको, एटम को, जो भी एटम है आपके पास है उसको याद रखिएगा क्या होगा, देंगे तो क्या होगा, एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने ऑर्बिट को क्या करेगा, छोड़ देगा, छोड़ेगा तो याद रखिएगा उसी को बोला जाता है क्या बेटा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, करंट में कंट्रीब्यूशन को योगदान देते हैं, इसी को बोला जाता है बेटा कंडक्टिविटी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। ये बताया हमने, ये इलेक्ट्रॉन का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बस दो मिनट में हमने बता दिया। बहुत कुछ बताते हैं, फिलहाल रिवाइज करने वाले नहीं है, रिवाइज करेंगे तो ईडी से शुरुआत हो जाएगा। अब बात आ रही है होल्स क्या होता है, हमने बोला है होल्स कुछ भी नहीं है। जब आपके पास याद रखिएगा एक्सेज इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक्सेज इलेक्ट्रॉन होंगे याद रखिएगा, जैसे कौन से बेटा कहाँ पे, फिफ्थ ग्रुप में क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, फिफ्थ ग्रुप है, जाहिर सी बात है कितने होंगे, पांच होंगे।
तो क्या होंगे, क्या रखिएगा, कोई भी स्टेबल बनने का मतलब कोई भी एटम है बेटा, क्या बनना चाह रहा है, डिवाइस बनेगा तो क्या होगा बेटा आपके पास, क्या क्रिस्टल बनेगा तो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, तो चार इलेक्ट्रॉन की बेटा करके शेयरिंग करके क्या बना लेगा आपका, ऑक्टेट बना लेगा। इतनी बातें थोड़ा बहुत बेसिक याद आ रही होंगी। कितना बचा आपका, एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसी इलेक्ट्रॉन की बेटा एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन है उसी कारण से याद रखिएगा आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो कौन सा टाइप हो जाता है, एन टाइप हो जाता है। एन टाइप थोड़ा सा बेसिक हम बात कर दे रहे हैं, एन टाइप कैसे बनता है, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा एन टाइप कैसे बनता है। क्या होता है जब प्योर में, प्योर याद रखिएगा एलिमेंट में क्या करते हैं बेटा, क्या है कौन से ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हैं, फिफ्थ ग्रुप की, कौन सा आएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा आपका, एन टाइप बनता है। किसमें, किस ग्रुप में मिलाते हैं, प्योर एटम कौन से हैं बेटा, कौन से ग्रुप वाले, फोर्थ ग्रुप वाले हैं, कौन कौन से हैं, सिलिकन और क्या है जर्मेनियम, मानते हैं सिलिकन है, सिलिकन फोर्थ ग्रुप का मतलब है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे आपके ना। और याद रखिएगा आपके पास अगर एन टाइप बनाना है तो बेटा आर्सेनिक हमने बना दिया, मान लीजिए आर्सेनिक कर दिया तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे आपके, पांच होंगे। कहने का मतलब इनसे शेयर कर लेगा, इधर इधर भी शेयर कर लेगा, इधर भी शेयर कर देगा, इधर होगा तो क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट क्यों बनाना चाह रहा है, कोई भी चीजें बेटा स्टेबल बनना चाहता है, हम हो या आप हो स्टेबल बनेंगे। अब जब स्टेबल कब बनते हैं, जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से बताते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, तो कहने का मतलब है ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी, ये बताइए जब याद रखिएगा ये स्टेबल हो गए, ये भी बेटा अभी क्या हो रहा है बेटा, ऑर्बिट का चक्कर लग, नहीं किसका, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा, अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। कब फ्री होगा, जब स्मॉल एनर्जी देंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बताना है, और इस बॉन्ड को ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसको फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, रेज हैंड करना है, समझ जाइए एक बार फिर से है। ये एन टाइप का याद रखिएगा आपके पास क्या सेमीकंडक्टर बन चुका है, क्या किया हमने, प्योर में से क्या मिलाया हमने, इम्प्योर मिलाया, और भी कितने ग्रुप का, फिफ्थ ग्रुप का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये एक्सेस है, ये भी क्या हो रहा है बेटा, अभी फ्री नहीं हुआ है, फ्री कब होगा, जब आप एनर्जी देंगे तब फ्री होगा। तो हमारे कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे है, और यहाँ पे फ्री, ये क्या है बेटा आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं ये वाला एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताना है दोनों की एनर्जी लेवल पे अलग होगी या सेम होगी, अलग होगी। कुछ बच्चे नए वाले नहीं समझ रहे होंगे, सब बताते हैं बहुत ज्यादा हैं, दोनों का एनर्जी लेवल बेटा हमने बोला ना, जो भी स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाती है। एक चीज ये भी समझिए, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, थोड़ा सा तेज चलने, परेशान एकदम ना होइएगा, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन पाया जाएगा। और ये याद रखिएगा ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है। जैसे सिलिकन का याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, कितना होता है, दो आठ और क्या है, चार ना, तो कहने का मतलब 14 ना, दो आठ चार है, तो आपका तीसरा ऑर्बिट है, मतलब पहले वाले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में बेटा क्या है, एट, और तीसरे वाले में क्या है, फोर होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के पास होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा बाउंड होगा, ज्यादा बाउंड हो जाएगा। आप भी घर पे रहोगे तो ज्यादा बाउंड होते हैं, यहाँ पे आते हो तो क्या हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, अगर होना चाहो तो फ्री एक तरीके से है। तो कहने का मतलब वहां से दूर हो गए हो घर से, और न्यूक्लियस को घर वाले हैं आपके माँ बाप जो भी हो, चीजें आपको यार के कंट्रोल कर पाए, ठीक ना। तो कहने का मतलब है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जितना याद रखिएगा ये वाला जो आपके पास याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होगा, ये न्यूक्लियस के पास है, ये टाइटली बाउंड है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, ये भी टाइटली है इसके कंपेयर में, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्या है, लूजली है। तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं बेटा, आएंगे यहाँ पे फ्री कराएंगे, कौन वाले होंगे, आउटर मोस्ट वाले होंगे, आउटर मोस्ट वाले, उसी को कौन सा बोला जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब आर्सेनिक, जब प्योर एटम में से इम्प्योर एटम मिलाया गया होगा तो क्या होगा बेटा आपके पास है, यहाँ पे बेटा चार इलेक्ट्रॉन तो बेटा आपके पास शेयर करके वो उन्होंने क्या कर दिया, ऑक्टेट, ऑक्टेट जब भी कंप्लीट करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है, एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा।
लेकिन ये इसके पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी इसके कंपेयर ना, ज्यादा होगी। तो इसको ब्रेक करने के लिए किसको एनर्जी, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसको एनर्जी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। और हमने एनर्जी बैंड डायग्राम से बताते हैं, फिलहाल एनर्जी बैंड डायग्राम हम नहीं बनाने वाले हैं। तो कहने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराया जाता है, यही एक एक इम्प्योरिटी एटम मिलेंगे ना, और यही क्या होते बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा एन टाइप में क्या होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसका, एक्सेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, एन टाइप अगर हम बोलेंगे तो बोला जाएगा बेटा यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या, एक्सेस क्या है, इलेक्ट्रॉन है या होल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितने नंबर आप एटम मिलाएंगे हम इम्प्योर एटम, उतने नंबर आप एक्सेस इलेक्ट्रॉन आपके पास मिल जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा ये होगा, मतलब एक्सेस को बोला जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हम जानते हैं एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात आती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, वो कैसे बनता है, कोई भी भाई कुछ पढ़ाया कुछ ना कुछ तो बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ से आता है। अब है हाँ, कोवेलेंट बांड, जब हम एनर्जी देते कोवेलेंट बांड ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, और जो होल आता है वो कौन सा होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो याद रखिएगा एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, कैसे बने हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो हमने क्या मिलाया है, इम्प्योरिटी मिलाया है। इम्प्योरिटी का भी कई होता है, क्या होता है, हैवली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, मॉडरेट डोप्ड, ये सब बातें होता, जब आएगा तो हम बात कर लेंगे। अब बात आ रही है बेटा, ये चीजें समझ में आ गया, ये भी समझ में आना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो उसको बेटा जो वो किसका चक्कर लगा रहा था, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा था, अब उसको बेटा किसी का चक्कर लगा रहा है, तो वो करंट में योगदान नहीं देगा। कब करंट में योगदान देगा वो, जब वो फ्री होगा। अब फ्री होने के लिए उसको एनर्जी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पहले से एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन को बेटा ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देना होगा, ज्यादा देना होगा। कोई डाटा बता सकता है, अगर सिलिकॉन एटम है तो, सिलिकॉन एटम है तो बेटा इसको याद रखिएगा पॉइंट क्या है, 01 या 05, अलग अलग है, 05.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी नाम नहीं आ रहा होगा। एनर्जी की जो यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अभी पूछा भी है किसी एग्जाम में ना। तो कहने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम देना पड़ेगा, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मान लेते हैं। इस वाले बांड को ब्रेक करने के लिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास चाहिए, रखिएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो कहने का मतलब है आपके पास, याद रखिएगा इसका ध्यान रखना है, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए अलग है। तो कहने का मतलब है ये आपका एन टाइप बनाने का मतलब है। पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होता है ना। तो होल्स होता है, तो याद रखिए होल्स क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या क्या दिखाता है बेटा, डिफिशियंसी दिखाता है। डिफिशियंसी का मतलब कमी दिखाता है, और कमी दिखाने के लिए हमने बेटा एक्सेस करने के लिए फिफ्थ ग्रुप को लिया था। प्योर एटम कौन सा ग्रुप है, चौथा है, तो जाट से बात कम करना, तो कहाँ चले जाएंगे, थर्ड ग्रुप में चले जाएंगे। तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब क्या होते हैं, थर्ड ग्रुप में होते हैं। और एक कौन सा टाइप का बनाएगा, पी टाइप या एन टाइप, पी टाइप होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सिलिकॉन एटम है, ये प्योर है, इसके आउटर में चार इलेक्ट्रॉन है। आप क्या बेटा, आपके पास मान लीजिए हमने बोरान इंप्योर कर दिया, तो यहाँ पे इसके आउटर में आरखे तीन है, तो यहाँ पे बनाया ए वाला अलग सिलिकॉन से बना लेगा, ए वाला सिलिकॉन से एक जो है यारखे का कमी है, यही क्या है आपका, होल्स है। होल्स को यारखे का बबल से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बांड कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। कोई बेटा क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा तो क्या करता है बेटा, किसी से लेगा, ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यारखे का हम बताया है होल्स एक क्या बेटा, एजम्पशन है तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन बस क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। मैथमेटिकल एनालिसिस को पूरा करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बना दिया गया, दूसरा क्या है, होल्स बना दिया। होल्स कुछ भी नहीं होता है, बस क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की क्या दिखाता है, कमी दिखाता है। एक हमारा मैथमेटिकल, हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल एनालिसिस को ईजी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेप्ट बन गया। तो हमारे कहने का मतलब जितना नंबर आप बेटा, मोर नंबर आप क्या है,
हमने थर्ड ग्रुप का इम्प्योर एटम मिला देंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब है पी टाइप में इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ से आएगा, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से आएगा। तो याद रखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा ये जानना है जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करेंगे और क्या बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस जब भी बात आएगी एक पैरामीटर आ जाता है टेम्परेचर। ये बार बार आ ही जाता है ना, कोई भी डिवाइस होगी, कोई भी पैरामीटर होगा, कोई भी डेफिनेशन होगी, उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात कर दी जाती है। तो याद रखना है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है कैसे बना है बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होके ब्रेक हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा बेटा, क्योंकि हम क्या देंगे बेटा, एक जब हम टेम्परेचर देने का मतलब है थर्मल एनर्जी देंगे, थर्मल का मतलब टेम्परेचर ही होता है, थर्मल एनर्जी देंगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो याद रखना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है बेटा, मेनली मतलब मोस्टली डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आएगी तो याद रखिएगा ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, तो ये वांटेड नहीं है, क्या है, अनवांटेड, अनवांटेड है हमेशा किसी भी डिवाइस में। क्योंकि हमने बोला ना किसी डिवाइस में जब करंट फ्लो होगी किसके कारण से होती है, कैरियर के कारण से होती है। किसी डिवाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आ गए और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आ जाएगी तो करंट क्या होगी, दोनों के कारण से फ्लो होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से। लेकिन याद रखिएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा बेटा क्या होना चाहिए, किसी भी डिवाइस में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कम होगा उसका करंट पे योगदान क्या होगा, उतना क्या होगा, कम होगा। जितने ज़्यादा कैरियर ज़्यादा डेवलप होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, करंट पे योगदान क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को बेटा रिमूव करना होता। तो हम आगे चल के बात करेंगे जो बीजेटी होता है, नामी है बाईपोलर, बाईपोलर, बाईपोलर का मतलब जो भी करंट में योगदान होगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा दोनों के कारण से होगा, होल और क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखे लीकेज, यहाँ पे जो भी माइनॉरिटी करंट, जो माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है उसको बोला जाता है लीकेज होती है। कहीं भी लीकेज हो रहा है वो क्या होता है, वांटेड होता है या अनवांटेड होता है, अनवांटेड। याद रखिएगा ये लीकेज करंट है, इसको कम करना होता है। दूसरी बात है आगे चल के बात करेंगे जब हम फेट की बात करेंगे ना, तो फेट में क्या होता है, केवल केवल क्या, जो भी करंट में जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा केवल क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। याद रखिएगा तो वहाँ पे लीकेज करंट क्या आएगी, नहीं आएगी। कैसे नहीं आ रही है वो आगे का टॉपिक हम बात करेंगे। फिलहाल तो कहने का ये मतलब इसका ध्यान रखिएगा, तो मतलब बीजेटी में दोनों कारण से करंट फ्लो होगी, होल और क्या है, इलेक्ट्रॉन, या बोला जाएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर है ना ये चीज़ें। तो हमारे कहने का मतलब हमने थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, और यहाँ पे बाईपोलर क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये हमने बात कर दिया। दूसरी बात आ जाएगी, दूसरी बात आएगी बेटा माइनॉरिटी, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, जर्मेनियम है ना, प्योर एटम है, जर्मेनियम है, प्योर है आपके पास है, आउटर मोस्ट में कितने होंगे, चार होंगे। अगर प्योर क्रिस्टल होगा तो बेटा किस एलिमेंट से बना होगा, देखिए एलिमेंट में क्या होता है बेटा, आपके पास एटम में क्या, एक एटम है, जाहिर सी बात है ये एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है, केवल एक है तो अनस्टेबल, स्टेबल कैसे बनेगा, बगल वाले से क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो एक क्रिस्टल पूरा का पूरा बन जाएगा। तो जर्मेनियम बगल में आ जाएगा, यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन बन गया आपके पास, कितना है आपके पास है, ऑक्टेट है, तो आपके पास एक क्रिस्टल बन गया प्योर एटम का पूरा बन गया। सर बाद वाला क्या, बॉन्ड बाद वाला कहीं ना कहीं तो बच, अरे भाई उतना नहीं देखना, क्रिस्टल बन गया आपका। अब बात आ रही है एक जर्मेनियम का, एक सिलिकन का, तो आपको देखना है कौन सा बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंसी किस पे ज़्यादा होगी। और जब यहाँ पे बेटा जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो टेम्परेचर जब देंगे हम थर्मल एनर्जी देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको बताना है, आपको यहाँ एक जर्मेनियम है, एक क्या है बेटा सिलिकन है, किसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा ये बताना है। बताया ऐसे हमने रेज हैंड करना है, जर्मेनियम और सिलिकन में बेटा सेम अगर थर्मल एनर्जी दे रहे हैं
किसमें ज्यादा बांड ब्रेक होगा सोच के बताना है, रेज हैंड करना है, करेक्ट जस्टिफाई करना है। एक 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 कर लोग को पूछ लेंगे, इतना समय नहीं हमारे पास, जल्दी से बताइए क्या पूछ रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं, हमारे पास दो आपके पास क्या क्रिस्टल है, एक जर्मेनियम का बना होगा, एक क्या है सिलिकॉन का है। अगर हम सेम थर्मल एनर्जी देंगे दोनों में, कंपेयर किया जा रहा है, तो बेटा सेम एनर्जी देंगे, देखिए किसमें बेटा ज्यादा बांड ब्रेक होगा। अब बांड ब्रेक होगा तो क्यों ज्यादा ब्रेक होगा ये बताना है, ये रेज हैंड करना है। साधना रिकम्बिनेशन, बांड ब्रेक कर रहे हैं, अब रिकम्बाइन कर रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा है ना। चलिए अच्छा, इसीलिए जवाब दिया उल्टा सीधा, ठीक ना, पढ़ा है क्या आपने ईडीसी, नहीं पढ़ा है ना। चलिए हम तो बांड ब्रेक कर रहे हैं, अब रिकम्बाइन कर रहे हैं। चलिए और कोई ये बताना चाह रही, बताओ मंजू, जर्मेनियम क्यों ज्यादा होगा, चलिए और कोई करिए, नहीं और कोई पीछे, सबसे पीछे क्या नाम है आपका, हाँ लोकेश बताइए क्यों होगा। सिंपल हम क्वेश्चन पूछ दिया, याद रखिएगा जर्मेनियम में क्यों बेटा ज्यादा बांड ब्रेक होगा ये बताना है आपको, जितना ज्यादा बांड ब्रेक होगा, एक कोई भी बांड ब्रेक होगा क्या जनरेट होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या है होल जनरेट होगा, तो बताना है क्यों ज्यादा होगा जर्मेनियम में। मान लीजिए जर्मेनियम में ही ज्यादा है तो क्यों होगा, क्यों ज्यादा होगा खुशबू, याद आया। तो देखिए सिंपल हमने बात किया है, आगे चल के बात करेंगे भी बताएंगे भी, जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है कितना होता है, कितना होता है 0.785, और बेटा ये जर्मेनियम का है और इसका कितना होगा, कितना 1.21, वो भी टेम्परेचर पे, टी की वैल्यू 0 केल्विन पे है। ये क्या क्यों ज्यादा कम है, सबसे पहले ये समझ लीजिए एनर्जी क्या हो, गैप का मतलब बेटा इतनी एनर्जी देंगे तो बांड क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा बेटा कहाँ पे जाएगा, दो बैंड होते हैं, कौन कौन से, बैलेंस बैंड और क्या है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता, थोड़ा सा भी बात की, बैलेंस बैंड का क्या मतलब हुआ, कोई भी बैंड क्या होता है, बैंड क्या बेटा एनर्जी का, कई एनर्जी लेवल को बेटा मिला जाएगा तो बैंड बन जाएगा, वो वाला बैंड ना समझिए, ठीक ना, बैंड बन जाएगा। अब एक बैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं तो नाम से इतना हम बेसिक बताते हैं फिलहाल, अभी हो सकता है हम जितना तेजी से बता सकते हैं उतना तेजी से आपको ना समझ में आए, लेकिन बैलेंस बैंड का मतलब ही नाम पता चल रहा बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी को दिखाएगा ना। चलिए जब बैलेंस बैंड दिखाया जा रहा बेटा, तो वो बांड ब्रेक होंगे नहीं बैंड होंगे, ब्रेक होंगे, हमने बोला बेटा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बेटा फ्री हो जाएंगे, उसी को बोला जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो बैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है बेटा वो फ्री नहीं है, उस जो एनर्जी लेवल को बोला जाएगा बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड को क्या बोला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, आपके पास याद रखिएगा, ऐसे समझ लीजिए एनर्जी डायग्राम थोड़ा सा बनाई देते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी याद आ जाएगा। ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड, और ये क्या बेटा एनर्जी क्या है गैप। तो कहने का मतलब जब आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बना के स्टेबल हो गए होंगे उस एनर्जी लेवल को ये दिखाता है। इसमें भी कई बातें आती है, फिलहाल ये समझिए, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये समझिए फ्री है तो नहीं फ्री है, नहीं फ्री है, क्या हो चुके हैं बेटा स्टेबल हो चुके हैं, या रखिएगा ये है ठीक ना, चक्कर भी नहीं लगा रहे हैं इसका, या रखिए स्टेबल हो चुके हैं, या रखिएगा। अब यहाँ पे बेटा क्या है, जब इस यहाँ पे बैलेंस बांड में जब कोवेलेंट बांड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होगा, होल कहाँ रह जाएगा, बैलेंस बैंड में रह जाएगा, होल को यार बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कंडक्शन बैंड कुछ भी नहीं है, वो बेटा किसको मिलकर बना हुआ है, जो हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया
फ्री किया, और फ्री जो किया है उसको एनर्जी लेवल को बता रहा है, ए एनर्जी लेवल को बता रहा है। ये बताइए ये एनर्जी और ए एनर्जी है, ए एनर्जी क्या है बेटा? लोअर है, ऊपर जाएंगे तो क्या है? हायर है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमने बोला ये भी ना, अगर जो बैलेंस बैंड अगर है तो कोवेलेंट बांड ब्रेक, कोवेलेंट बांड बना हुआ तो वो क्या स्टेबल होगा, तो उसका एनर्जी लेवल कम है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो एनर्जी लेवल क्या होगा है, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो कहने का मतलब ये हुआ, ज्यादा का मतलब है हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो कहने का मतलब एक बांड ब्रेक हुआ है तो बेटा आपके पास एक होल जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ ना। अब जितना ये जाहिर सी बात है ब्रेक अपने आप नहीं हो जाएगा, इसको ब्रेक होने के लिए आपको क्योंकि इतनी एनर्जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ जाना है तो आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे यही मानिए, मान लीजिए कोई पानी का बहाव है और क्या हो रहा बेटा, हायर से लोअर नहीं हो रहा, लोअर से क्या जा रहा है, हायर है। मतलब ऐसे है, ऐसे नहीं है अपने आप है, ऐसे है अपने आप चला जाएगा। क्या देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे एनर्जी हायर लेवल में जाने का मतलब आपने एनर्जी इतना देना पड़ेगा, वही क्या होता है एनर्जी गैप होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज्यादा कब होगा उस बात को समझ लीजिए आप फीलिंग के साथ, ज्यादा कब होगा, ज्यादा एनर्जी कब देना पड़ेगा, जब न्यूक्लियस से बेटा क्या ये बताइए, कोई चीजें हमसे ज्यादा बाउंड हो तो आपको यार के ब्रेक करने के लिए, करने का मतलब है आपको यार के ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको है। और कम बाउंड हो गए तो क्या करना होगा बेटा, मान लीजिए हमारे पास हो तो हमको और हमसे दूर जाना चाह रहे हो सकता है, आपको हमने बाउंड किया हुआ है तो आराम से जा सकते हो, लेकिन दूर हो गए तो क्या हो गए, तुरंत निकल जाओगे। तो कहने का मतलब है जो ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, तो उसका एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, जो नए बच्चे उनकी बात कर रहे हैं, थोड़ा कम लोग समझ पा रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, प्रियंका नहीं समझ पा रही है ना, समझ गई है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हम यही बात कर रहे हैं आरखे का। देखिए दो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं ये आनी चाहिए आपको, एक सिलिकन है एक जर्मेनियम है। सिलिकन कितना होता है बेटा, 14, 14 का बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 2, 8 क्या है 4, इसका करेंगे तो क्या आएगा बेटा 32, कितना होता है 2, 8, 18 और क्या है 4, सही लिखा है ना, 4 लिखा। एक ये बेटा आपका फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा और चौथा ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से बेटा ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये क्या है आपका थर्ड ऑर्बिट। तो कहने का मतलब है हमने बोला जो ये बताइए न्यूक्लियस के ये थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे, फोर्थ ऑर्बिट कौन पास में है, थर्ड वाला। और जो न्यूक्लियस से पास में होगा वो क्या होगा बेटा, लूजली बाउंड होगा या टाइटली बाउंड होगा, टाइटली बाउंड। जो पास में होगा तो बाउंड तो करेगा ही ना, उसका चक्कर तो लगा ही रहा है, ये बेटा टाइटली बाउंड है। चलिए इसको बेटा फ्री होने के लिए एनर्जी क्या देना पड़ेगा, अगर टाइटली बाउंड है उसको फ्री कराना है तो एनर्जी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ये क्या बेटा, ये कौन से ग्रुप में है, कौन से ऑर्बिट में है, चौथे ऑर्बिट में है, इसके कंपेयर में एनर्जी यहां क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इसका एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, कितना होता है 0.785। इसका एनर्जी गैप कितना होता है बेटा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये समझिए इसको बेटा फ्री कराने के लिए आपको 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, इसको फ्री कराने के लिए 0.785। क्यों है, क्योंकि इसका कौन से ग्रुप में, यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है किस ग्रुप में लाई करता है, किस ऑर्बिट में, थर्ड में, ये क्या है फोर्थ में। क्लियर कट समझ में आना चाहिए, ये समझ में आ गया। अब बताइए, अब जर्मेनियम सिलिकन है, इसमें भी एनर्जी और इसमें भी एनर्जी क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। किसमें बांड ब्रेक ज्यादा होगा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, किसमें ज्यादा बांड ब्रेक होगा, रेज हैंड करना है, किसमें साफ साफ जिसमें एनर्जी गैप क्या है, कम। दोनों में एनर्जी सेम दे रहे हैं हम, सेम एनर्जी दे रहे हैं तो बांड कहां ज्यादा ब्रेक होगा, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम में जब हम बात करेंगे जर्मेनियम में बेटा, क्योंकि जर्मेनियम में क्या होता है माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा जनरेट होगा, तो हम बात करेंगे जर्मेनियम और सिलिकन की बात करेंगे तो माइनॉरिटी करंट किसमें ज्यादा फ्लो होती है, जर्मेनियम में या सिलिकन में, जर्मेनियम में, क्योंकि बेटा
आप थर्मल एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा कैरियर जनरेट हो रहे हैं, और जब भी टेम्परेचर पे जो भी कैरियर जनरेट हो रहे हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे ज्यादा जनरेट होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करंट भी क्या होगी, लीकेज करंट ज्यादा फ्लो होगी या कम होगी। ये याद रखिए जर्मेनियम का मेजर डिसएडवांटेज है क्या है, यहाँ पे बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं ज्यादा होती है तो लीकेज करंट भी क्या होती है ज्यादा फ्लो होती है। जर्मेनियम सिलिकॉन एकदम पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। जर्मेनियम का बेटा फोर्थ ऑर्बिट में लाई करता है और सिलिकॉन का थर्ड ऑर्बिट में लाई करता है। फोर्थ ऑर्बिट को बेटा बेटा फ्री कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए एनर्जी क्या देना होगा, कम देना होगा। कितनी टिपिकल वैल्यू है 0.785 देना होगा, यहाँ पे कितना देना होगा 1.21 देना होगा। यहाँ पे कैरियर बेटा क्यों कम जनरेट होगा, क्योंकि इसका एनर्जी गैप क्या है ज्यादा, किसके कंपेयर में, जर्मेनियम के कंपेयर में। तो याद रखिएगा जर्मेनियम हमेशा क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा जनरेट करते हैं इसलिए बेटा नहीं प्रीफर करते हैं, किसको प्रीफर करते हैं सिलिकॉन को। एक चीज जर्मेनियम का एडवांटेज क्या है बेटा, यहाँ पे कैरियर ज्यादा जनरेट होगी तो बेटा कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा कैरियर तो जर्मेनियम का एक एडवांटेज तो है। क्या एडवांटेज है बेटा, क्योंकि इसकी बेटा कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी, कैरियर ज्यादा जनरेट होंगे। लेकिन कहने का मतलब डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा दिमाग में रखना ये सब बातें चीजें याद रखना है। ये था इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में बेसिक हमने बता दिया आपको ना। जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा तीन बातें आएगी, दो बातें आएगी। पहला नंबर एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी लिखें, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ाया थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन याद रखिएगा एक दो बार क्लास देख लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत थोड़ा बहुत है हमको, ठीक ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर, क्या अंतर है जमीन आसमान का, ये बेटा क्या है फ्री है, कहाँ पे लाई कर रहा है कंडक्शन बैंड में, एनर्जी इसके पास ज्यादा या कम है ज्यादा है तभी ऊपर गया है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इस कहाँ पे है बेटा, वो न्यूक्लियस का क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है ना, इसका ध्यान रखिएगा ये फ्री नहीं है, समझ में आया। अब बात आई कि होल्स क्या है, क्या होल्स कैसे डिफाइंड करेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की क्या दिखाता है, कमी को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही दिखा रहा है, एजम्पशन है उसको माना जाता है बेटा होल्स माना जाता है, याद रखिएगा। इसमें आएगा बेटा पी टाइप में या एन टाइप में, पी टाइप में आएगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप में, ए बी एन पी वाला भी समझ में आ गया। अब बात आ रही है पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस कहाँ से आते हैं ये बताना है, याद है किसी को, याद रखिएगा होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, और जो आयंस होते हैं पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस क्या होते हैं, ये इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल का मतलब मूव नहीं करेंगे, रेज हैंड करना है क्यों नहीं मूव करते ये बताना है, बताया है हमने। पॉजिटिव आयंस निगेटिव आयंस मूव क्यों नहीं करते ये बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन होल को मूव करा दिया ना, आप नहीं मूव कर रहे हो, लेकिन ये मूव कर रहा नहीं कर रहा, दिमाग में पता नहीं मूव कर रहा नहीं कर रहा है, मूव करेगा आपको बताना है। आयंस क्यों नहीं मूव करते हैं ये बताना है, कौन बता सकता है, बताइए रोहित, एक्सलेंट आंसर आप बता पाए, बहुत अच्छा है, ठीक ना। कहने का मतलब है हमने बोला ना, जब आपके पास, जब हमने क्या किया था, ध्यान समझना है, अभी नहीं भी समझ में आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जानना है इसके बारे में। अगर हमने याद रखिएगा क्या है, आर्सेनिक मिलाया था किसमें बेटा, सिलिकॉन में मिलाया था, ये बेटा क्या किया है, ये चार तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया ना? एक बचा हुआ है, इसी को क्या बोला हमने, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक्सेस का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, चाहिए कितना था हमको, केवल चार, एक एक्सेस है ना,
ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन बन के बेटा क्या हो गया, स्टेबल बन गया है ना। आपको बताना है बेटा जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देके फ्री करा देंगे ना, तो हमेशा हम बात करेंगे बेटा एक होता है बेटा चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी, एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन बेटा चला गया, जितने पॉजिटिव का मतलब है आपके पास जितने प्रोटॉन होंगे, जानते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होता है न्यूट्रॉन क्या होता है चार्जलेस होता है ना। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। अब प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं केमिस्ट्री की, आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो हम बेसिक से जब बात करेंगे तो बताएंगे भी। तो आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन जब गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन गया है तो जाहिर सी बात उसी इलेक्ट्रॉन के कारण से बेटा जो प्रोटॉन पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहाँ, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन किसका पार्ट है, न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस से क्या होगा बेटा, टाइटली बाउंड होगा, और टाइटली बाउंड होगा तो मूव नहीं करेगा। तो आयंस कभी भी मूव नहीं करते। आयंस क्यों आए, आयंस क्यों आए, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा आपके पास, क्या हुआ बेटा ये जब फ्री हुआ उसी इलेक्ट्रॉन की क्या दिखा रहा है, जब गया है उसी पे, उसी कारण से बेटा क्या आया वहां पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन, जो उसी कारण से क्या आया बेटा, पॉजिटिव आयंस आया। पॉजिटिव आयंस ये दिखा रहा है एक इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास एक्सेज है। जब भी हम यन टाइप का जब हम सिंबल बनाते हैं, यन टाइप का सिंबल बनाते हैं तो क्या होता है बेटा, जितने नंबर आप एक्सेज इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ क्या दिखाते हैं हम, पॉजिटिव आयंस दिखाते हैं। मान लीजिए हम यन टाइप का हम सिंबल बना रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कौन वाले दिखा रहे हैं बेटा, हम फिफ्थ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं जो एक्सेज इलेक्ट्रॉन है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे उसके साथ क्या दिखाएंगे हम, पॉजिटिव आयंस दिखाएंगे। याद रखिएगा ये एन टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, और होल क्या आएगा बेटा इसमें, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा, तो होल दिखा दिया, होल के साथ नहीं दिखाएंगे, ठीक ना। ये पॉजिटिव आयंस क्या दिखा रहा है बेटा, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बेटा अगर क्या है यहां से ऑर्बिट को त्यागेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आयंस आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के कारण से पॉजिटिव आयंस आ रहा है, और प्रोटॉन बेटा न्यूक्लियस से क्या है टाइटली बाउंड, वो कहां चक्कर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब चक्कर ही नहीं लगा रहा है, टाइटली बाउंड है, तो मूव कहां कर पाएगा। तो आयंस कभी भी मूव नहीं करते हैं, इसीलिए बोला जाता, पूछा जाता है इनमें से कौन सी बेटा कौन मूव नहीं करेगा, तो क्या मार देते हो, कुछ और मार देते हो, क्या है, आयंस ही मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये कोई नहीं बता पाता है, तो आपको फीलिंग होनी चाहिए। कुछ बच्चे, कितने लोग को फीलिंग हो गई है, रेज हैंड करना, कम लोग को हुई है ना। घर पर जाके देखिएगा आयंस बन जाइएगा, मूव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखिएगा नहीं मूव करेंगे। बात आ रही है ये तो एन टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसका उल्टा पी है। पी में क्या हो, पी का एजम्पशन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, होल आएगा, तो होल के साथ क्या आएगा, निगेटिव आयंस। पी आपको नहीं पता चलता है क्या होता है, लेकिन आपको इसी का उल्टा करना है। क्या करना है, होल के साथ क्या दिखाना है, निगेटिव आयंस। बस यहाँ पे फीलिंग नहीं समझ में आती है, बस यहीं पे समझ में आती है, इसका ध्यान रखना है, ठीक ना। तो याद देखिएगा जब भी एन टाइप का बनाएंगे और ये सब चीजें बात होगी। चले आगे, दूसरी बात है, दूसरी बात है, हमने बात किया, याद रखिएगा ध्यान ये रखना है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उस बात को समझिए जरा। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो बता ही दिया बेटा क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है कोई बता सकता है, एक हम पॉइंट बोल रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या मतलब हुआ, अगर एन टाइप है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बेटा है, होल है। ये होल कहां से आया होगा, जब बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हुआ होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, जो हमने क्या मिलाया है, इम्प्योरिटी मिलाया, किस ग्रुप की, फिफ्थ ग्रुप की। इसका उल्टा यहां कर दीजिए, यहां पे बेटा होल कहां से आया है, जो हमने थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाया है उसके कारण से आया है।
यहाँ पे मोनेटरी चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ये कहाँ से आया होगा? जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा ना। इतनी बातें समझ में आई? तो हमारा कहने का मतलब है, हमने एक चीज बता दिया, जो मोनेटरी चार्ज कैरियर होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जितना टेम्परेचर देंगे उतना मोनेटरी चार्ज कैरियर क्या होगा? बनेगा ना, बनेगा। किसमें ज्यादा होता है? जर्मेनियम या सिल्कन की बात करेंगे तो जर्मेनियम में। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि उसका एनर्जी गैप क्या होता है? कम। क्यों होता है कम? क्यों होता है? क्योंकि वो किस ग्रुप में लाई करता है, किस ऑर्बिट में? जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्मेनियम के, किस ऑर्बिट में लाई करता है? फोर्थ में, और सिल्कन का थर्ड में। ये भी बोला पूछा जाता है, जर्मेनियम का एनर्जी गैप क्यों कम होता है? क्योंकि वो किस ग्रुप में लाई, किस ऑर्बिट में लाई करता है? फोर्थ में। सिल्कन का क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में लाई करता है। इसका बात का ध्यान देना है। तो आपको बताना है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता, ये बताना है। रेज हैंड करना है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये बताना है। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आप लोग भी बता दीजिए अगर कोई क्लास कर रहा हो तो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है नहीं करता है? करता है तो क्यों नहीं करता है? करेगा तो क्यों करेगा, ये बताना है। मेजॉरिटी कैरियर समझ में आ गया ना, अब मेजॉरिटी बताना है। बता पाएंगे रवि आप? बता लीजिए। चलिए बहुत अच्छा। और कोई? अब बताया, इतनी मेहनत से बताया, बहुत पसीना बहाया था गर्मी में, कहाँ क्या करें, आपका पसीना निकाल दें। बताइए क्यों होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है? बताइए रोहित। एक्सलेंट आंसर। कहने का मतलब बताया, जिन इन बच्चों को नहीं बताया तो चल जाएगा, लेकिन जिनको बताया वो तो बताना ही चाहिए आपको। यहां पे ये बताया हमने, याद रखिएगा, देखिए ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इनको बेटा फ्री होने के लिए बेटा एनर्जी क्या देना पड़ता है? कम देना। इतनी बातें तो थोड़ा फीलिंग आप जो जानते, ऐसा नहीं बोल दिया हम आपको पूरा नहीं बता रहे तो नहीं, हमको तो नहीं है समझ में आएगा, आप कितना भी बता लीजिए। जो बातें बता रहे हैं थोड़ा सा प्रयास तो आप ही के लिए बता रहे, करना ही चाहिए। तो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, इसको फ्री कराने के लिए बेटा एनर्जी कम देना पड़ेगा, तो समझ में आ रहा है। अब बात आ रही है बेटा, हमने एनर्जी दिया तो जो भी हमने इम्प्योरिटी मिल, जितने भी नंबर ऑफ एटम हमने इम्प्योरिटी मिलाया होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो गए। अब बताइए स्मॉल टेम्परेचर पे कोई चीज डिपेंड, शुरुआत में तो आपने एनर्जी दिया तो फ्री हो गए, कितनी एनर्जी? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो डाटा हम बता रहे हैं, टिप्पल हमको भी याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, तो मतलब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम मान लेते हैं ना। कहने का मतलब ये चीजें हैं, ये एनर्जी बहुत कम देना पड़ा। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो बस आपके पास क्या, फ्री हो गए तो आप एनर्जी देते रहिए, क्या और कहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा? जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वही मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री हो गए हैं तो बताइए टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? उसके बाद नहीं कर रहे हैं। आप जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया स्मॉल एनर्जी पे ये फ्री हो गए, और जब फ्री हो गए तो और टेम्परेचर बढ़ाइए, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेजॉरिटी ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब जो भी ये बॉन्ड ब्रेक हो गए तो कौन सा कैरियर जनरेट होगा? माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होगा। मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गए हैं? सभी के सभी फ्री हो गए हैं। तो याद रखना है
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है टेम्परेचर, इन जनरल बात किया जाएगा। फिलिंग क्या समझना है, यही समझना है जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे, सभी के सभी जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री हो जाएंगे। अब फ्री हो जाएंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया आप टेम्परेचर देने का मतलब क्या दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। अब फ्री हो चुका है और ये बताइए इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री कर दिया, आप टेम्परेचर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उस पर, यार कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए याद रखिएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कॉन्सेप्ट जहां भी आएगा वो क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्यों होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये स्मॉल एनर्जी पे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और एनर्जी देंगे मतलब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कितने लोग को समझ में आई बातें, आ गई ये चीजें, कौन बता ले जाएगा नए बच्चों में से, कोई लोकेश बता पाओगे, बताइए कि समझ में आया आपको, बताइए क्या फीलिंग समझ, कुछ और नहीं समझ गए बताइए जरा, क्या बताया हमने, फ्री रहेगा ना वो चीजें हैं तो मतलब ये स्मॉल टेम्परेचर पे ही बेटा आप एनर्जी, स्मॉल एनर्जी देंगे इसको थर्मल एनर्जी तो फ्री हो गया क्योंकि आपको एनर्जी कम चाहिए ना। अब उसके बाद एनर्जी दीजिए क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा माइनॉरिटी चार्ज में क्या होता है, जितना एनर्जी देंगे उतना बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता रहेगा ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या, अपने एनर्जी देके एक फ्री, इस ए आपका फिफ्थ ग्रुप का एटम था, एक आपने इलेक्ट्रॉन डेवलप कर दिया तो ये चार नहीं दे देगा, कितना देगा, केवल एक देगा। तो कहने का मतलब एक इंप्योरिटी एटम मिला तो एक दिया, ऐसे लाखों मिले होंगे तो लाख हो जाएंगे आपके पास, तो कहने का मतलब ये चीजें हैं। तो ये क्या होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम कहने का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट कई तरीके से आपको समझा सकते हैं लेकिन एक बेसिक यहां से एकदम फील होता है ऐसा क्या हो रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं, यहां से दिखता है आपको, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो नहीं है हम या दिखा देंगे लेकिन फीलिंग समझनी चाहिए। ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा उसके बाद एनर्जी देते रहिए, इलेक्ट्रॉन फ्री ना रहेगा, ये तो फ्री रहेगा तो वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। माइनॉरिटी चार्ज करियर में क्या हो रहा है, बांड बार बार क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसीलिए माइनॉरिटी चार्ज करियर किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ये सब याद रखिएगा, एन टाइप पी टाइप थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है पॉजिटिव आयंस या निगेटिव आयंस मूव नहीं करते। पॉजिटिव आयन किस में आएगा, एन टाइप में या पी टाइप में, एन टाइप में। पी टाइप में क्या आएगा, इसका उल्टा क्या होगा, निगेटिव आयंस। कैसे याद रखेंगे, पॉजिटिव आयंस क्यों आया बेटा, इलेक्ट्रॉन के कारण से आया तो निगेटिव वाला है तो पॉजिटिव आया, अब होल्स क्या होता है पॉजिटिव हो गया तो वहां क्या आएगा, निगेटिव आयंस। ऐसे याद रखेंगे, जैसे भी चाहे याद रख सकते हैं, ठीक ना। चले आगे, नेक्स्ट है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर प्योर एटम की बात करेंगे, प्योर ग्रुप की, प्योर एटम की बात करेंगे तो कौन सा ग्रुप आएगा, फोर्थ ग्रुप आएगा। कौन कौन से एटम आएंगे, सिलिकन और क्या है, जर्मेनियम। एक कॉन्सेप्ट होता है कार्बन का, क्या होता है वो अभी नाम नहीं ले रहे हैं, जब आता है तो बताते हैं कार्बन को क्यों नहीं लिया जाता है, वो सब बातें यहाँ रिवाइज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, दो चीजें हैं। समझ में आया, एन टाइप की जब बात करेंगे तो किस ग्रुप की बात करेंगे, प्योर कौन सा, हमेशा प्योर में क्या मिला जाएगा, इम्प्योर कौन सा ग्रुप का, फिफ्थ ग्रुप का ना? कौन सा टाइप का बनेगा, एन टाइप का। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। आयंस कौन सा आएगा, पॉजिटिव आयंस आएगा। याद नहीं करना, दिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेस है जाएगा तो पॉजिटिव आयंस आएगा। पॉजिटिव आयंस क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस से क्या है, टाइटली बाउंड है ना। ये बातें समझ में आ गई, इसका उल्टा कहां पर कर दीजिए,
पी टाइप में, पी टाइप में कौन से ग्रुप में आ जाइए, थर्ड ग्रुप में आ जाइए। तो ये समझ में आ गया आपको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, ये समझ में आ गया। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो रहा, टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा। किस में ज्यादा होगा, जर्मेनियम में या सिलिकन में, जर्मेनियम में। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा उसका एनर्जी गैप क्या है, कम है। क्यों एनर्जी गैप कम है, क्योंकि वो फोर्थ ऑर्बिट में लाई कर रहा है। फोर्थ ऑर्बिट को बेटा इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए एनर्जी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा एज कंपेयर टू सिलिकन, क्योंकि सिलिकन में कौन से ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। ये बातें समझ में, एनर्जी गैप क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एनर्जी का जो बेटा क्या डिफरेंस होता है, वही क्या होता है, एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी गैप होता है। उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी क्या करने के लिए बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, इसका ध्यान रखना। इतनी बातें समझा दिया हमने, चलें आगे। अब बात आएगी डायोड की, बात थोड़ा सा कर लेते हैं। डायोड, डायोड जब बनाया गया होगा तो बेटा क्या, डायोड जब बनाया जाता था क्या होता है बेटा, ये कौन सा जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन होता है। तो देखिए पी, अगर अगर ये पी टाइप का है, ये एन टाइप का है, पी टाइप का रिप्रेजेंटेशन क्या बताया बेटा आपका, होल आएगा, होल के साथ क्या दिखाएंगे हम, निगेटिव आयंस, एन टाइप में क्या दिखाएंगे बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आयंस। यहां क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल, यहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेटा डॉट से, होल को बबल से, और पॉजिटिव निगेटिव तो बना ही है, ठीक ना। अब बात आ रही है, जैसे बेटा पी और एन टाइप को जब भी मिलाया जाएगा तो होगा क्या, इसका ध्यान रखना है। हमेशा क्या होता बेटा, जब भी इनको मिलाया जाएगा, पी और एन टाइप को बेटा जब मिलाया जाएगा तो यहाँ पे एक जंक्शन फार्म होगा, इसी को बेटा क्या बोला जाता है बेटा, पी एन जंक्शन बोला जाता है। और जंक्शन फार्म होगा तो यहाँ पे बेटा एक जंक्शन क्रिएट करने के लिए अलग अलग बेटा मैन्युफैक्चरिंग यूज की जाती है, टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसका नाम से नहीं लेना देना है। तो मतलब पी टाइप और एन टाइप को ला के मिलाया नहीं गया होगा, पी और एन टाइप को बेटा जंक्शन फार्म करने के लिए याद रखिएगा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज की गई हो। तो कहने का मतलब जैसे पी और एन मिलाएंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन होल क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होने का मतलब क्या फॉर्म होना है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दे रहे हैं। और कोवेलेंट फॉर्म करेंगे तो यार क्या होगा, जैसे ही पी और एन टाइप का मिलाएंगे ना, देखिए इलेक्ट्रॉन होल हमेशा मिलाएंगे आपके पास है, तो ये बनेगा आपके पास, ये जंक्शन हो गया। जंक्शन हो गया बेटा, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास है, याद रखिएगा ये जो ये जंक्शन बना आपके पास, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन था, नहीं यहाँ पे क्या था, होल था, और यहाँ क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे जंक्शन फॉर्म होगा तो क्या हुआ, यहाँ का जो होल था इस इलेक्ट्रॉन से क्या हुए, रिकम्बाइन हुए। रिकम्बाइन होके क्या फॉर्म हो जाएगा, जब भी रिकम्बिनेशन होता तो क्या फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक ना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोवेलेंट फॉर्म जब भी जंक्शन फॉर्म करते हैं तो एक फर्मा एक एक लेयर बनती है, इस लेयर को बोला जाता है कौन सी लेयर बेटा है, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर बनी हुई है, तो याद रखिएगा ये डिप्लेशन लेयर बनी हुई है, पी साइड में डिप्लेशन लेयर में कौन सा आयंस आ रहा है, निगेटिव आयंस आ रहा है, ध्यान रखना है। और बेटा क्या है, एन साइड वाला में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आयंस आ रहा है। अब बात आ रही है ये वाले जो थे आपके पास क्या बेटा है, होल है,
यहाँ पे होल है और यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, माइनर टी चार्ज करके दिखा दिया। तो यार कि डिप्लेशन लेयर जब भी फॉर्म होगी, डिप्लेशन क्यों आ रहा, डिप्लेशन का मतलब बेटा क्या, डिप्लेट हो गया, कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, कैरियर की। कैरियर किस, कैरियर कौन से कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल की। इलेक्ट्रॉन किधर बेटा खत्म हो गया, एन साइड, और होल किधर खत्म हो गया बेटा, पी साइड। कहाँ चले गए हो, दोनों क्या कर गए, रिकम्बाइन करके क्या फॉर्म कर लिए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए। तैयार कि डिप्लेशन का मतलब होता है किसी चीज की कमी, डिप्लेट हो गया। किसकी कमी होगी बेटा, कैरियर की कमी होगी। तैयार कि डिप्लेशन लेयर में, डिप्लेशन लेयर में कोई भी बेटा कैरियर नहीं पाया जाता, केवल क्या होता बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड और क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस किस साइड होते हैं ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है बहुत, जब बताएंगे वो तो बताएंगे ही, फिलहाल पॉइंट भी लिखाते हैं, फिलहाल हम जनरल बात कर रहे हैं। पी साइड क्या होगा, निगेटिव आयंस, और क्या होगा आपके पास, और एन साइड क्या होगा, पॉजिटिव आयंस। क्योंकि बेटा ये जहां पे आपके पास, जहां पे आपके निगेटिव आयंस होंगे वो वही रहें, क्यों 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 वही रहेंगे, क्योंकि ये मूव नहीं करते, वो वही रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है आपका, ये कहना होगा सर जब भी पी और एन को कंबाइन किया तो जब भी इलेक्ट्रॉन होल मिलते हैं तो तुरंत रिकम्बाइन होते हैं, तुरंत रिकम्बाइन होते हैं। तो आपका, हमारे कहने का मतलब होता है बेटा, ये जब रिकम्बाइन इन दोनों को मिलाया गया होगा तो बेटा क्या होगा, बेटा यहाँ पे ऐसा क्या क्यों नहीं हुआ, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन क्यों नहीं हो गया, रेज हैंड करना, ये बताते हैं, देखते कौन बता पाता। हमारा क्वेश्चन ये है जब पी और एन को बेटा जंक्शन मिलाया जाएगा तो पूरा का पूरा होल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन से क्या कर देना चाहिए था, रिकम्बाइन करके बना लेना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ, केवल कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ होल ही क्यों बेटा क्या किया है, रिकम्बाइन किए हैं और सब बचे हुए हैं, ऐसा क्या हुआ है, कोई भी क्वेश्चन पूछना, समझ में आया नहीं समझ में आया। हमारे कहने का मतलब दोनों को मिलाएंगे, जंक्शन फॉर्म किए, इलेक्ट्रॉन होल हमेशा क्या करना चाह रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेंगे। तो ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, पूरा का पूरा होल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन से क्या होना हो जाना चाहिए था, रिकम्बाइन। ऐसा नहीं होता है, कुछ ही होल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, उसके बाद प्रोसेस क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बताना है, जस्टिफाई करना है, आना चाहिए भाई ये सब बातें। कोई भी क्वेश्चन हम जो पूछ रहे हैं उसकी फीलिंग तो समझ में आ रही है ना, क्या पूछ रहे हैं, नहीं आ रही है क्या, कितने लोग को आ रही है, आ रही है ना, क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, विकास क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा क्या होगा, बता पाएंगे आप। हमारे कहने का मतलब, पूछने का मतलब, थोड़ा कभी बोल पाए अच्छी बात होता, क्योंकि बाद में बोलना होता है ना, अपने आप से पूछे बोलना, कुछ चाहते बोल देते हैं कभी कुछ, और तो थोड़ा सा आदत डाले रहेंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे आपका, ठीक ना, क्योंकि आपको हमने बहुत दिन पहले बताया है, कल की बातें भूल जाते हो तो 4 महीने पहले की बातें हम याद करना उचित नहीं है ना, क्योंकि दिमाग क्या हो जाए, बोलते भी रहते हैं ना, रिफ्रेश करते रहिएगा। तो बताइए आप बना रहे हैं क्या, बातें बना रहे हैं या जानते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट है, आप क्लास की है नहीं, आप नए बच्चे हैं ना, अच्छे अपने आप से अपने सोच के बोला, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, ठीक ना, प्रयास तो किया कम से कम 100 के 100 नंबर मिल रहे हैं आपको। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, आप ज्यादा बोल देंगे तो मंजू याद नहीं आ रहा है, अब है बताइए रोहित, आज पूरे परफॉर्मेंस जोरदार है एकदम, बताइए। हाँ तो देखिए यहां पे आगे चल के बात करेंगे, आगे चल के क्या, पहले बात किया है, दो चीजें प्रोसेस होती हैं, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, एक होता है बेटा ड्रिफ्ट। दो चीजें प्रोसेस होता है किसी चीज में, डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, उस बात को समझिए दोनों को, ठीक ना।
ये सब बताया है, फिलहाल थोड़ा सा बेसिक समझना है। डिफ्यूजन जो होता है बेटा नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब होता है बेटा क्या है, अपने आप स्वतः। तो बेटा क्या होगा, हमेशा जानते हैं बेटा अगर पानी का बहाव को मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए तो हमने बोला बेटा ऐसे मान लीजिए पानी का बेटा ऐसे बहाव करना है अगर, और ऐसे बहाव करना है मतलब एक क्या बेटा ऊंचाई पे है, ऊंचाई से नीचे आना है। तो बेटा ये बताइए इसमें क्या, नहीं सर हम फोर्स लगाएंगे ही और तेजी से भेजेंगे। अरे भाई प्रोसेस की बात हो रही है, यहाँ पे पानी आएगा बहाव होगा नहीं अपने आप, वो जाएगा, इसी को बोला जाएगा बेटा डिफ्यूजन प्रोसेस। मान लीजिए ये अपने आप स्वतः होगा, क्यों होगा बेटा, क्योंकि बेटा जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी और कहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगी, तो हमेशा बेटा क्या जो कैरियर होगा वो क्या करेगा बेटा हायर से कहाँ जाएगा। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है बेटा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट क्या है वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे, ज्यादा होंगे तो ज्यादा हायर कंसंट्रेशन का मतलब ज्यादा होंगे, जहां पे ज्यादा होंगे और जहां पे कम होंगे तो क्या होगा, ज्यादा वाले से कम वाला आएगा, अपने आप आता स्वतः होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि बेटा अपने आप वाइब्रेशन होने लगता है चार्ज कैरियर में, और अपने आप स्वतः क्या होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर अपने आप मूव करने लगते हैं और करंट फ्लो होने लगेगी ना। लेकिन ड्रिफ्ट में क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए पानी का बहाव क्या करना है बेटा, हम नीचे से और ऊंचाई पे करना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप में फोर्स लगाएंगे, अपना मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे तभी पानी होगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ड्रिफ्ट प्रोसेस लगाना तो यहाँ पे लगाना फोर्स, लगाना फोर्स लगाने का मतलब क्या अप्लाई करना होगा, वोल्टेज अप्लाई करना होगा। अब वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब एक तरीके से क्या अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ड्रिफ्ट में बेटा बेटा फोर्स अप्लाई किया जाता है, नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है। और डिफ्यूजन में क्या होगा बेटा, आपका क्या होगा डिफ्यूजन में, क्या होगा बेटा ये हमेशा अपने आप होगा, स्वतः होगा, कैसे होगा हायर से लोअर, यही समझ लीजिए पानी का बहाव वाला की बात है। जब हायर से लोअर आना होगा तो अपने आप आएगा, और जब लोअर से हायर जाना होगा तो क्या होना लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा। क्या पानी का बहाव करना तो वोल्टेज लगाएंगे क्या, यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है बेटा है इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहे हैं। ये बातें समझ में आ गई, तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे ही रखिएगा, क्योंकि ये जो पी और एन टाइप है, समझिए बात को, पी और एन टाइप है, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है होल है, यहाँ पे बेटा होल क्या है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तभी ने बोला जैसे पी और एन को कंबाइन करेंगे हम, समझ में आना, पी और एन को कंबाइन करेंगे तो होल का कंसंट्रेशन यहाँ हायर है, यहाँ क्या है लोअर है, और अपने आप प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन। समझ में आया, डिफ्यूजन किधर हुआ, होल का लेफ्ट से राइट, इस फिगर के हिसाब से लेफ्ट से क्या है राइट हुआ। ये कितने लोग को समझ में आया, आया ना। अब बात आ रही बेटा इधर देखिए, इधर उल्टा चलिए, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किस साइड हो रहा है, इस साइड, क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे हायर कंसंट्रेशन है और यहां पे क्या है लोअर है, तो हमेशा हायर से लोअर होगा। जब जंक्शन फॉर्म, जैसे जंक्शन फॉर्म किया गया होगा तो एक प्रोसेस होगा, क्या होगा डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और होल बेटा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल बेटा क्या करेंगे, जब आएंगे तो दोनों क्या होंगे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे रिकम्बाइन कर दिए, रिकम्बाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल क्या हो जाएंगे डिसअपीयर हो जाएंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन यही था, यही था मतलब बेटा होल का डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस साइड हो रहा है और होल का इस साइड हो रहा है, सब क्यों नहीं मिल गए, नहीं मिल गए, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन इसलिए नहीं मिल गए बेटा क्योंकि जब जैसे ही हमने बॉन्ड फॉर्मेशन किया यहाँ पे, जैसे ही क्या बनाया हमने जंक्शन किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे, कुछ होल किए गए होंगे, तो यहाँ पे बेटा क्या बन गया आपका बेटा, याद रखिएगा ये आपका डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप हो गया, यहाँ पे अवरोध पैदा हो गया। अब यहाँ पे अवरोध पैदा हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को इस होल को जाने के इस ऊंचाई से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस देखिए, ये जब पहले क्या होता था बेटा, जब मिले हैं तो कोई भी अवरोध नहीं था, सीधे का सीधे था, तो
अपना जा रहे थे, अब क्या होगा, बीच में क्या हो गया बेटा, ये आपका बैरियर आ गया। अब बैरियर आने का मतलब इस होल को इस ऊंचाई से होके जाना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बेटा इस इलेक्ट्रॉन को इस ऊंचाई से होके यहां आना पड़ेगा। तो क्या हुआ बेटा, प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन प्रोसेस रुक गया, रुका इसीलिए बेटा क्या हुआ, पूरा का पूरा होल इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन नहीं किया। एक बार फिर से रिपीट करें, जैसे ही जंक्शन फॉर्म हुआ तो क्या कुछ समय के लिए बेटा कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, डिफ्यूजन हुआ होगा। अगर पूरे समय के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा तो पूरा का पूरा होल, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। लेकिन रिकम्बाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि क्या बन गया यहाँ पे, बैरियर। बैरियर ऐसे बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन इस होल को बेटा इस ऊंचाई से जाना पड़ेगा, ऊंचाई पे नहीं जा पाएगा। उसको जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बेटा फोर्स लगा के इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो बात हो रही है बेटा अनबायस की बात हो रही है। जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसी ऊंचाई को क्या करते हैं, कम करते हैं। जब कम करते हैं तो करंट फ्लो होने लगती है, और जब रिवर्स बायस करते हैं तो इसी ऊंचाई को और बढ़ा देते हैं तो करंट फ्लो नहीं होती। तो याद रखिए, डिफ्यूजन प्रोसेस इसलिए आपको बताना है, पूछा जाता है, बहुत फेमस है, हम बताते हैं, पता नहीं क्यों भूल गए आप। तो डिफ्यूजन प्रोसेस, शुरुआत में डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ होगा, और डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस इसलिए रुक जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया बेटा, बैरियर हो गया, बैरियर पोटेंशियल आ गया। निगेटिव वाला इधर है तो पॉजिटिव वाला को ऊपर दिखाते हैं, निगेटिव वाला को नीचे दिखाते हैं, तो ये बैरियर बन गया। अब होल को बेटा, इस बैरियर को बेटा ऊंचाई पर डाक के जाना है यहाँ पे ना, तो नहीं जा पाएगा। नहीं जाने का मतलब है वही बेटा, हम बायस फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है बेटा, ये पी टाइप का है, ये एन टाइप का है, तो क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। जब पी वाला पॉजिटिव से एन वाला नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो फॉरवर्ड बायस होता है, और जब कनेक्ट करेंगे बेटा तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इसके बैरियर को क्या करेगा, ये कम करेगा। जैसे ही कम करेगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, मूव करेंगे और करंट फ्लो होने लगेगी। वो कौन सी करंट होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होती है ना, अभी हम बता देंगे। अभी फिलहाल ये समझ में आ गया, एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जब डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा होगा, शुरुआत में डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ होगा, तो याद रखिएगा कोई चीजें बेटा क्या होता है, हमेशा क्या होता है बेटा, एक होता है बेटा थर्मल, क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे दो करंट फ्लो होती है, आगे चल के बात करेंगे। एक डिफ्यूजन करंट, और एक क्या बेटा, ड्रिप करंट भी फ्लो हुई होगी। दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो याद रखिएगा हम बात करेंगे, जब हमने बायसिंग नहीं किया हुआ था इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है। ये भी बोलना है बेटा, करंट भी फ्लो होती है, करंट नहीं भी फ्लो होती है, ये भी बोलना है, दोनों बात को समझना है। शुरुआत में बेटा जब डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ होगा तो करंट फ्लो हो रही होगी, लेकिन उस समय एक और प्रोसेस आएगा, क्या बेटा, ड्रिफ्ट आएगा। ड्रिफ्ट क्यों आता है, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जब हमने करने का मतलब डिफ्यूजन जब प्रोसेस हुआ होगा एक वोल्टेज डेवलप हो गया होगा, इस वोल्टेज के कारण से एक प्रोसेस और हो जाएगा, कौन सा है, ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होंगे, दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कम लोगों को समझ में आएगा, अभी हम आएंगे इस पॉइंट पे, कैंसिल आउट कर देंगे। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है, मतलब अनबायस, अगर कोई भी डायोड बेटा कोई भी बायसिंग नहीं की गई है तो उसमें करंट कितना फ्लो होती है, जीरो फ्लो। एक चीज ये भी जानना है, कोई भी चीजें इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की जा रही है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था का मतलब ये होता है, हमेशा दो चीज लगता है, दो फोर्स लगते हैं और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो कहने का मतलब है, आपको बताना है, एक डिफ्यूजन ड्रिप लग रहा है कौन बेटा, हमेशा याद रखिएगा जब किसी चीज पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बेटा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो एक कोई चीज शुरुआत में ज्यादा होता है, एक चीज बेटा कम होता है, एक चीज घटना शुरुआत होगा, एक का करना होगा बढ़ना शुरुआत होगा, दोनों क्या मिलेंगे एक जगह, उसी को बोला जाता है बेटा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपको बताना है कौन शुरुआत में ज्यादा होगा कौन कम, मतलब ये समझिए, एक में एक ज्यादा होगा,
ये क्या होगा बेटा, कम होगा, ये घटेगा और ये क्या करेगा, बढ़ेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपको बताना है शुरुआत में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, रेज हैंड करना है। बस इतने लोग बताइए, मनीषा आपने क्लास नहीं किया, बताइए कौन सा। हाँ एक्सलेंट आंसर, शुरुआत में डिफ्यूजन प्रोसेस ही हो रहा है ज्यादा, तो शुरू में डिफ्यूजन ज्यादा होगा और जब जैसे ही बेटा ये पोटेंशियल डेवलप कर देगा तो कौन सी करंट फ्लो ऑन हो जाएगी, ड्रिफ्ट हो जाएगी। शुरू में ड्रिफ्ट जीरो होगा तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे और वो क्या होगा, घटेगा। एट इक्विबरियम पोजिशन पर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो नेट करेंट जो फ्लो होगी कितनी होगी, जीरो। ये आपको बातें हम समझाते हैं, पॉइंट भी लिखाते हैं, फिलहाल ये जनरल आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज क्लियर कट होना चाहिए, ये जो पी टाइप और एन टाइप को मिलाया गया है तो बेटा पूरे का पूरे बेटा होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया बेटा, बैरियर फॉर्म, डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगी या बैरियर, जो भी ऑप्शन बना दिया है। बैरियर में बेटा जो फॉर्म हुई है बेटा इसमें क्या है, केवल आयंस है, आयंस से ना दे पूरा का पूरा आयंस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों रुका है, क्योंकि यहाँ पे बैरियर आ गया है ना, बैरियर आ गया। ये बातें समझ में आनी चाहिए, पूछा जाता है बेटा क्यों नहीं पूरा का पूरा रिकम्बाइन किया, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो गया बेटा है, रुक गया, इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है, बैरियर। ये सब पॉइंट लिखाते भी हैं, चले आगे। अब बात आ रही है इस पीएन जंक्शन को, देखिए हमने ये बताया ना? आज के लिए इतना ही, ठीक ना, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो ओवर हो जाएगा, एक क्लास और ले लेंगे कल, उसके बाद हम कंटिन्यू अपना कर देंगे, ठीक है। जो बताया रिक्वेस्ट है, जो क्लास सुन रहे हैं देख रहे हैं, जो चीजें हमने बताया है इतने जाहिर सी बात है 2 महीना पढ़ा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है एक क्लास में तो हम कवर कर नहीं देंगे, सच्चाई है। अगर इतने महान होते तो हम ऐसे बजाते चुटकी, सिलेबस क्या होता, खत्म हो जाता, पसीना बहाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो एक बार रिक्वेस्ट है, जो क्लासेस नहीं किए हैं तो क्लास एक दो बार और देख लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा बात की बात है, अच्छा नहीं लगेंगे तो कम से कम आवाज़ ही सुन लेंगे। तो कहने का मतलब है यार, रखिएगा एक बार देख लीजिएगा, कल एक बार और क्लास लेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, और आपको परेशान नहीं होना है, हमें को पढ़ाना है तो जैसे भी मैनेज करना हो थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कोरोना आके सबको डिस्टर्ब कर दिया तो इतना तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, और बहुत लोग क्या होते हैं देखिए बंद कर दिया ऐसी चीज़, हम तो कम से कम आपको ले जाए, आपको किसी तरह से पढ़ाई, किस तरह से क्या है, जैसे भी हम तो पढ़ा ही रहे हैं, और सुविधा दे दिया है, रजाई में बैठ के पढ़ सकते हो, एसी में बैठ के पढ़ सकते हो, हम यहाँ पसीना बहा ही रहे हैं, ठीक ना। इसका ध्यान रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना। अभी हम 10 मिनट के बाद माइक्रो कंट्रोलर शुरुआत करेंगे।